हरे कृष्णा स्पाइडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देडूस। ठीक है, सो आज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मतलब फंडामेंटल राइट्स का जो सब टॉपिक है, उसमें जो पर्टिकुलर राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इन सब की सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा मैं, क्योंकि वो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा और आसानी होगी समझने में आप लोग को। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट इट। पहला जो अपना राइट है वो कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानांतर, ठीक है ना, सम एक पर्टिकुलर लेवल पर रखना सब लोग को इक्वल करके। ठीक है, तो पहला देखते हैं अपन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो राइट टू इक्वलिटी का जो सब टॉपिक है उसमें कौन सा पहला टॉपिक है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, जो कानून है उसके सामने सब इक्वल हैं और उसकी प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सॉरी और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस प्रोविजन कन्फर्स द राइट ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरिनर्स। मोर ओवर द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन्स विच आर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गई, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। ठीक है, सो जो आर्टिकल 14 है उसमें ये प्रावधान है कि जो इक्वलिटी है बिफोर लॉ वो मेंटेन होनी चाहिए और साथ ही साथ लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, नाउ हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ब्रिटिश है। ठीक है, वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने टेक आउट किया है और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने टेक आउट किया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कोनेट्स द एब्सेंस ऑफ द एनी स्पेशल प्रोविजन इन एनी फेवर ऑफ एनी पर्सन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यानी इधर बात हो रही है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या इनवाइसेज करता है? कि कोई भी पर्सन है उसको स्पेशल प्रिविलेज ना मिले, ठीक है, कानून के सामने। और जो उसका जो दूसरा पार्ट है, बी द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ओके, और सी हमारा नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे गरीब अमीर हो, चाहे बड़ा आदमी छोटा आदमी हो, ठीक है ना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट और नॉन ऑफिशियल हो, वो कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है, इज नॉट अबव द लॉ। जो सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वो क्या है? द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑन द अदर हैंड कोनेट्स द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ओके, बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड द लाइबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉज। और बी है द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। जो भी लॉज हैं उनका कहीं ना कहीं सिमिलर एप्लीकेशन, सिमिलरिटी प्रोवाइड की जाए, वेदर दोज पर्सन आर सिचुएटेड। ओके, नाउ द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दस द फॉर्मर इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाइल द लेटर इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। लेटर कौन सा हमारा? यानी इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ, और फॉर्मर कौन सा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कौन सा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हाउएवर बोथ ऑफ देम एम एट एस्टैब्लिशिंग इक्वल और इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। दोनों ही अपना काम क्या करते हैं? इस्टेब्लिश कर मतलब दोनों ही हेल्प करते हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस, लीगल स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। जहाँ पे जो इक्वल और अनइक्वल्स हैं अगर डिफरेंटली ट्रीटेड होते हैं तो वो जो आर्टिकल 14 है वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बाय द लॉज, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, आर्टिफिशियल और इवेसिव, ठीक है। रेदर इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिफरेंशियल। जो सुप्रीम कोर्ट है कहीं ना कहीं वो फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन को, बट वो ऑल्सो परमिट करता है हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, ठीक है, ऑफ वेदर इट इज़ द पर्सन्स और पर्सन, ऑब्जेक्ट और ट्रांजेक्शन का रीजनेबल क्वालिफिकेशन परमिट करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टी क्या कहते हैं आर्बिट्ररी
आर्टिफिशियल और इवेसिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। रेदर देन इट इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड द सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। ओके, अब नाउ हियर रूल ऑफ लॉ। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय ए वी डाइसी द ब्रिटिश जूरिस्ट। हिज कॉन्सेप्ट हैज द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स और वी कैन से एक्सपेक्ट। पहला देखो, जो रूल ऑफ लॉ है यानी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, वो किसका कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, जो कि जो रूल ऑफ लॉ को किसने दिया था, प्रोपाउंड किया था, ए वी डिसाई जो कि ब्रिटिश जूरिस्ट, ठीक है। उन्होंने तीन पॉइंट बताए थे, उसका क्या है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेटरी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ लॉ। आर्बिट्रेरी मतलब समझ रहे हो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको अपन पनिश कर सकते हैं अगर उसने कानून को नहीं तोड़ा तो, ठीक है। अगर कानून तोड़ा तो पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन अगर कानून नहीं तोड़ा तो उसको कोई पनिश नहीं कर सकता, ठीक है। देर इज़ नो सच आर्बिट्रेरी पावर। तो दूसरा हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ दैट इज़ इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल सिटीजन्स वेदर दे आर रिच पुअर। ओके, सब्जेक्शंस टू ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ओके, यानी मतलब सभी लोग कानून निर्णय में एक हैं, ये बात है। तो तीसरा अपना द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉज रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बींग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। ओके, नाउ हेयर द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम एंड नॉट द थर्ड वन। जो थर्ड एलिमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उन्हीं का रिजल्ट एक तरह से, एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉज रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बींग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स राइट। ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्फोर्स किया जाता है बाय द कोर्ट्स। ठीक है, रेदर देन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स है किसका, इंडिविजुअल राइट्स का। ठीक है, इधर क्या बात हो रही है, जो पहला है हमारा, पहला और दूसरा वो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स हैं जो कि अप्लीकेबल होते हैं इंडियन सिस्टम में, इंडियन जुडिशरी में, लेकिन थर्ड वन नहीं होता। ठीक है, इन द इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। ठीक है, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स है, वी कैन से इंडिविजुअल राइट्स का सोर्स है, ना कि इंडिविजुअल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। ओके, सो दिस इज द एक्सेप्शन, नोट डाउन इट, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ और वी कैन से इक्वलिटी बिफोर लॉ एज एम्बडीड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट। ठीक है, वी ऑन लो की जो बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक फीचर्स और डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते विदाउट द CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 है जो कि डील करता है किस पे, इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ पे, उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, अब हेयर एक्सेप्शन ऑफ इक्वलिटी, द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट, देयर आर दीज आर मेंशन्ड बिलो। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं है हर समय, वो कारगर नहीं है हर समय, लागू नहीं हो सकता वो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उसको देखते हैं। जो पहला एक्सेप्शन है हमारा वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट इंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज। आर्टिकल 361 क्या बताता है, फॉलोइंग इम्यूनिटीज बताता है जो कि प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इंजॉय करते हैं। पहला इम्यूनिटी है, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर कोर्ट द क्या है टू एनी कोर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। ठीक है, दूसरा हमारा, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट इन हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ओके, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस। फोर्थ,
नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन बाई हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर बिफोर एज ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ द 2 months देन आफ्टर नोटिस हैज़ बीन डिलीवर टू हिम। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट है कहीं ना कहीं उनके कुछ कानून ऐसे हैं जो कि लागू नहीं होते हैं। वो कैसे कानून है कि अगर उनका प्रेसिडेंट का ऑफिस चल रहा है, ठीक है, तो उनको कोई भी आके ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक उनका ऑफिस का टर्म ख़त्म नहीं हो जाता, उन पर कोई भी कोर्ट अपना डिसीजन नहीं सुना सकता। ओके, अगर वो ऑफिस में है यानी ऑन ड्यूटी है। दूसरा हमारा, नो पर्सन शैल बी लायबल और टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर और बाय रेडियो टेलीविज़न, ठीक है, और सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 361 है, जो आर्टिकल 361 है किसकी पावर्स के डिलीट, मतलब स्पेशल पावर्स को बताता है प्रेसिडेंट और गवर्नर की। जो आर्टिकल 361 ए है वो ये बताता है कि कोई भी पर्सन वो लायबल नहीं है, ठीक है, इन द एनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स अगर उसने पब्लिशिंग की है, पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर और इट इज़ वेदर इट इज़ द रेडियो और टेलीविज़न, ठीक है ना, अगर उस पर उसने सही रिपोर्ट दिखाई है तो उसके लिए लायबल नहीं है। नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन द एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी थिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमेटी देयर ऑफ। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 क्या बताता है कि पार्लियामेंट कोई भी मेंबर कोर्ट के सामने जवाबदेही नहीं करेगा अंडर, मतलब ऑन विच किस किस मुद्दे पे जवाबदेही नहीं करेगा कि उसने किसको कोर्ट वोट दिया, ठीक है, अपना वोट किसको दिया। नहीं नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी थिंग सेड और एनी वोट गिवन बाई हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयर ऑफ। आर्टिकल 194, आर्टिकल 194 डील्स विद द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड आर्टिकल 195 डील विद द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। फिफ्थ, आर्टिकल 31C is an exception to Article 14. It provides that the laws made by the state for implementing the DPSP directive principles contained in Clause B or Clause C of the Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of Article 14. The Supreme Court held that where Article 31C comes in, the Article 14 goes out. Article 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और अगर जहाँ पे आर्टिकल 31C आ जाता है वो आर्टिकल 14, वहाँ से आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं हट जाता है। सिक्स हमारा, द फॉरेन सॉवरेंस रूलर्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जो फॉरेन सॉवरेंस हैं, ठीक है, रूलर्स और एम्बेसडर भी कैसे डिप्लोमेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इंजॉय कर क्या करते हैं, इम्यूनिटी करते हैं, प्रोटेक्शन इंजॉय करते हैं अगेंस्ट द क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स। द यूनो एंड इट्स एजेंसीज इंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। नाउ सेकेंड है प्रोविजन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर्टेन ग्राउंड्स पे उनका क्या करें, प्रोविजन करें, उनको बर्खास्त करें। जो आर्टिकल 15 है प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन रेस्ट कास्ट सेक्स और द प्लेस ऑफ द बर्थ, ठीक है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जिनके इन सब एस्पेक्ट्स पे, ठीक है, कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। द टू क्रूशियल वर्ड्स इन दिस प्रोविजन आर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी भेदभाव एंड ओनली। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। द यूज़ ऑफ द वर्ड ओनली कोनेट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अदर ग्राउंड्स पे तो प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो वो कहीं ना कहीं प्रोहिबिशन उसका होगा, ठीक है। द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ
ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एंड सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड टू अ टू ए एसेस टू शॉप्स पब्लिक रेस्टोरेंट्स होटल प्लेस और पब्लिक एंटरटेनमेंट द यूज ऑफ वेल्स टैंक्स बाथिंग घाट्स रोड्स ओके प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक ठीक है। तो जो ये कह सकते हो मतलब कोई पर्सन का हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर नहीं कर सकते कि हाँ वो दूसरे धर्म का है तो इस जगह पर नहीं आ सकता, इस दुकान पर नहीं आ सकता, इस पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ऑन दिस बेसिस ये प्रोहिबिटेड है अंडर द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स वाइल द फॉर्मर प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट ओके। जो फॉर्मर का हमारा कौन सा है नाउ हेयर देयर आर फोर एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज और प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। नाउ जो बी है हमारा द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ फ्री कंसेशंस इन द पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इधर हल्का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लेकिन वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि एक बेटरमेंट के लिए हो रहा है पर्टिकुलर ग्रुप के। ये सी है हमारा द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। डी हमारा द स्टेट इज एम्पावर टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स यानी EWS। फर्दर स्टेट इज अलाउड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ द सीट फॉर सच सेक्शंस इन एडमिशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओके। नाउ रिजर्वेशन ऑफ OBCs इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द अबव एक्सेप्शंस वाज एडेड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। किसका है रिजर्वेशन ऑफ OBC इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इसका जो प्रोविजन है कब आया 93rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया 2005 में। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन द सेंटर इलेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ठीक है रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006 प्रोवाइडिंग अ कोटा 75% फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द OBCs इन ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज IITs IIMs। इन अप्रैल 2008 द सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of the both the amendment and the OBC quota act but the court directed the central government to exclude the creamy layer advanced sections among the OBC while implementing the law। जो government है उसने act लेके आया ठीक है ना कौन सा act लेके आया 93rd amendment act 2005 में उसमें क्या provision था for the reservation of the OBC in the education institutions। उसके बाद एक act आया सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट ऑफ 2006 जिसके तहत 27% जो कैंडिडेट्स हैं OBC के उनका जो सीट है वो रिजर्व रहेगा। लेकिन उसके बाद जो कोर्ट है 2008 में उसने डायरेक्ट किया कि जो क्रीमी लेयर है OBCs में उनके लिए ये लॉ इम्प्लीमेंटेबल नहीं है ठीक है जो उसमें भी लोअर लेवल पे है उनके लिए है। द चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल बिलोंग टू क्रीमी लेयर अमंग OBCs एंड दस विल नॉट गेट द कोटा बेनिफिट। अब वो ऐसे अभी नीचे ऐसे चिल्ड्रंस के बारे में बात की गई है जो कि बिलोंग करते हैं क्रीमी लेयर ऑफ द OBCs और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला है पर्सन्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चेयरमैन एंड मेम्बर्स ऑफ द UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन CEC एंड CAG। ऐसे मतलब ये यहाँ पर अगर कोई पर्सन होल्ड कर रहा है तो उसके जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर में आएंगे उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है। तो सेकंड हमारा ग्रुप ए क्लास वन ग्रुप बी क्लास टू ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज एम्प्लॉयज़ होल्डिंग इक्विवेलेंट पोस्ट इन PSU ठीक है बैंक्स इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। सो ऐसे ये जितने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इन सब में काम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो तीसरा हमारा पर्सन हु आर इन द रैंक ऑफ द कर्नल एंड अबोव इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट टू पोस्ट इन द नेवी ठीक है। तो
ऐसे पर्सन जो कि कर्नल के रैंक पे हैं आर्मी में, उनके जो बच्चे नमस्कार। होंगे उनको भी ही कहीं ना कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल साइड डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट एंड ऑथर्स, उनके बच्चों वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे। फिफ्थ है पर्सन इंगेज इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। द पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख और प्रोसेसिंग वेल्थ अबव द एक्सेंप्शन और लिमिट इन 1993 व्हेन द क्रीमी लेयर सीलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इट वॉज 1 लाख। इट वॉज सब्सिक्वेंटली रिवाइज बाई 2.5 लाख इन 2004, 4.5 लाख इन 2008, 6 लाख इन 2013 एंड 8 लाख इन 2017। ऐसे पर्सन जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में आएंगे, उनके लिए भी कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है। फिर 96 अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा कि क्या आया था हमारा, रिजर्वेशन फॉर OBCs इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब 103 अमेंडमेंट एक्ट में हमारा आया है रिजर्वेशन फॉर EWS एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। ओके, ये कब आया? 2019 में आया, जिसमें 10% रिजर्वेशन जो कि प्रोवाइड करता है टू द EWS सेक्शंस, ठीक है, इन द एडमिशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसका जो बेनिफिट है इस रिजर्वेशन का, वो किसको बिलोंग करता है? बिलोंगिंग टू द पर्सन बिलोंगिंग टू, मतलब ऐसे लोगों को ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो कि EWS कैटेगरी में आते हैं, ऐसे लोग, ठीक है, ना कि SC ST और OBC वालों को। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है। जो पहला क्राइटेरिया है, द पर्सन हुज फैमिली हैज़ ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख आर टू बी आइडेंटिफाइड एज EWS फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। ऐसी फैमिली जिनकी पूरी फैमिली की जो तनख्वाह है कहीं ना कहीं 8 लाख से कम है, तो उनके जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं EWS का जो रिजर्वेशन बेनिफिट वो अवेल कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड है हमारा, पर्सन हुज फैमिली ओन्स और पोजेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, ठीक है, टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एज EWS। तो ये जो फॉलोइंग एसेट्स हैं, अगर इसमें से कोई भी एसेट अगर फैमिली और फैमिली के मेंबर्स पोजेस करते हैं तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला एसेट क्या है हमारा? 5 एकड़ की अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो EWS कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का तो वो EWS में नहीं आएंगे। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड का और इससे ऊपर है, ठीक है, तो वो नहीं आएंगे। और रेजिडेंशियल प्लॉट अगर 200 स्क्वायर यार्ड का है एंड अबव द एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज, तो वो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जो थर्ड हमारा, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। फोर्थ है, फैमिली फॉर दिस पर्पज वुड इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हिज और हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, एज ऑल्सो हिज ऑन स्पाउस। ओके, अब आ जाता है हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट समझ रहे हो ना, यानी जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें भी इक्वलिटी बनाई रखे। आर्टिकल 16 जो कि प्रोवाइड करता है फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। सरकार की जो भी जॉब्स आएंगी उनमें भी इक्वलिटी हमको देखने को मिलेगी। नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और टू बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। देयर आर 4 एग्जेम्पशंस टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। द पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट इन स्टेट ऑफ यूनियन। ओके, एज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू दिस रेसिडेंस एक्ट ऑफ 1957 एक्सपायर्ड इन 1974, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इधर क्या बात हो रही है? द पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, ठीक है। जो बी है, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज, ठीक है। जो स्टेट है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर क्लास पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस को के लिए ही जॉब निकाल सकता है अगर वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं स्टेट सर्विसेज को, ठीक है, अगर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनक्यूमेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू द रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब इधर देखो, मंडल कमीशन आई थी हमारी
पहले इधर देख लेते हैं, द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 10% ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। जो EWS है उनके लिए 10% जो सीट होती है वो कहीं ना कहीं रिजर्व होती है, ठीक है, अंडर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दिस रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। ओके, फॉर दिस पर्पज द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वुड बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। अब एक मंडल कमीशन और उसकी बात है, क्या बात है, इन 1979 मोरारजी देसाई गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो बीपी मंडल कौन थे, एक मेंबर थे पार्लियामेंट के, उनके अंडर में एक कमीशन, यानी इन्होंने बैकवर्ड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ओके, अब इसमें क्या है, इन टर्म ऑफ आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर एडवांसमेंट। ठीक है, तो जो मंडल कमीशन थी उसको अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट का गठन क्यों किया गया कि टू सर्वे द प्रेजेंट, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी प्रेजेंट स्थिति को सर्वे किया जाए, वो कहाँ पर किस हद तक सही है और उनका एजुकेशनल एजुकेशनैलिटी क्या है। ठीक है, द कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट इन 1970 में अपॉइंट किया गया, 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है, और आइडेंटिफाइड एज 3743 कास्ट आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक है, यानी 3743 जो ऐसी कास्ट हैं जाती हैं वो कहीं ना कहीं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। वो जो कास्ट हैं कहीं ना कहीं 52% कंपोजिशन रखती हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को निकालने के बाद द कमीशन रिकमेंडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर अदर OBCs सो दैट द टोटल रिजर्वेशन ऑफ ऑल SC ST एंड OBC अमाउंट टू बी 50%। इट वॉज आफ्टर 10 years इन 1990 द VP सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर रिजर्वेशन 27 गवर्नमेंट फॉर OBC अगेन इन 1991 नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू चेंजेस प्रिफरेंसेज टू द पुअर सेक्शंस अमंग द OBCs इन द 27 कोटा, दैट इज एडॉप्शन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन द ग्रांटिंग रिजर्वेशंस एंड बी रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% ऑफ जॉब्स फॉर द पुअर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द हायर कास्ट हु आर नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें क्या बात हुई कि जो 27% रिजर्वेशन आया था OBC के लिए, उसमें जो चेंजेस किए गए 1990 में, वो ये चेंज किया गया कि जो OBC में भी जो क्रीमी लेयर पे हैं, ठीक है, उनको कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो नरसिम्हा राव है उन्होंने अगेन 10% कोटे का, मतलब 10% कोटे का अलग से प्रावधान रखा, रिजर्वेशन रखा फॉर वन दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, लेकिन वो हाई कास्ट के हैं, हाइयर कास्ट के हैं, लेकिन वो अभी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए 10% अलग से एग्जिस्टिंग मतलब रिजर्वेशन स्कीम लाई। इन द फेमस मंडल केस द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16(4) विच प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज हैज़ बीन एग्जामिन थोरली बाय द सुप्रीम कोर्ट, दो द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट, इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर द OBC विद द सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, द एडवांस सेक्शंस अमंग OBCs क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली। ठीक है, इधर क्या बात हुई, देखो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया था फॉर द जनरल कास्ट के, ठीक है, जनरल कास्ट में जो इकोनॉमिकली के सेक्शन में आते हैं उनके लिए जो 10% रिजर्वेशन की बात की गई, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अप्रूव नहीं किया, लेकिन जो 27% है उसको अप्रूव किया, उसमें भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि हाइयर कास्ट के क्रीमी लेयर ऑफ OBCs शुडंट गेट द बेनिफिट, और वी कैन से जो रिजर्वेशन है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा इन द प्रमोशन ऑफ द जॉब्स। ठीक है, इट विल ओनली हेल्प इन द अपॉइंटमेंट्स ओनली। जो सी है हमारा, द टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट बी एक्सीडेड 50% एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। ठीक है, जो टोटल रिजर्व कोटा है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50% जनरल के लिए होगा। दिस रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। और डी है हमारा, द कैरी फॉरवर्ड रूल इज इन केस ऑफ अनफाइल्ड बैकलॉग वैकेंसीज,
इज़ वैलिड बट इट शुड नॉट वैलिड नॉट वैलिड 50% रूल। अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश टू एग्जामिन कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ द ओबीसी। ओके विद रिगार्ड टू अबव रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द फॉलोइंग एक्शंस। द राम नंदा कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर्स ऑफ द ओबीसी। विच कमेटी हैज़ अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर्स ऑफ ओबीसी। द नेम इज़ द रामनंदन कमेटी। ओके जो बी हमारा नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड क्लासेज वॉज इस्टेब्लिश इन 1993। NCBC को इस्टेब्लिश किया गया ठीक है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इट्स मैंडेट वॉज टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन और ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ द एनी क्लास ऑफ द सिटीजन्स। लेटर 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 कन्फर्ड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द कमीशन एंड इनलार्ज इट्स फंक्शंस। ठीक है नाउ हियर इन ऑर्डर टू नलीफाई द रूलिंग विद ओके रिजर्वेशन ऑफ EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट द अबव एक्सेप्शन वॉज एडेड इन 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 2019। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर इन 2019 प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS इन द सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन्स बिलोंग टू EWS हु आर नॉट कवर अंडर एनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशन ST और EBC। ठीक है सो जो मतलब 2019 में फिन एक प्रावधान आया मतलब जो हमने प्रावधान पहले दिया था 1990 में नरसिम्हा राव ने ठीक है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया उसको फिन से वैलिडेट किया गया 2019 में रिगार्डिंग द EWS। ओके फर्दर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस रिजर्वेशन। पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स ऑफ द लोअर ग्रेड ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न। दे शुड बी क्लासिफाइड एज अ साइंटिफिक और टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। लाइट में एटलीस्ट एक जोन है ना एक कंफर्ट जोन है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ओके अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का जो है एबॉलिशन हुआ किसके अंडर आर्टिकल 17 के अंडर। ठीक है इन 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1995 हैज़ बीन कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड एंड रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अगेंस्ट सिविल राइट एक्ट 1955 टू इनलार्ज द स्कोप एंड मेक पीनल प्रोविजंस मोर स्ट्रिंजेंट। द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एक्ट। हाउ एवर द मैसूर हाई कोर्ट हेल्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस बट द प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट अंडर द आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ टेक अननेसेसरी डिसीजंस। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो टाइटल्स उनका भी एवोल्यूशन किया गया अंडर आर्टिकल 18 एबोलिशेस टाइटल्स एंड मेक्स फोर प्रोविजंस इन दैट रिगार्ड। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट ऑफ मिलिट्री एंड द कैबिनेट डिस्टिंक्शंस। ठीक है कोई भी पर्सन हमने अपने नाम का है कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता एक्सेप्शन किन टाइटल्स का है मिलिट्री का जैसे मेजर हो गया और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। ठीक है ऑन एनी बॉडी वेदर सिटीजन और अ फॉरेनर। ठीक है नाउ हियर इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्यूलमेंट ऑफ ऑफिस फ्रॉम अंडर द एनी फॉरेन स्टेटमेंट। ओके ठीक है अब आ जाता है हमारा राइट टू फ्रीडम पहले इसको देख लेते हैं तो बचाइए अपना ना। ओके फ्रॉम अबव इट इज़ क्लियर दैट द हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ द नोबिलिटी लाइक महाराजा और राज बहादुर राय बहादुर राय साहब दीवान बहादुर एक्सेट्रा विच वर कन्फर्ड बाय द कॉलोनियल स्टेट्स आर बैंड अंडर बाय आर्टिकल 18 एज दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल स्टेट ऑफ ऑल। ठीक है जो टाइटल्स हैं इनका एबोलिशन क्यों किया गया क्योंकि सभी लोग को समान दिखाना था इन द स्टेट। ठीक है बस दो ही लोग को छूट मिली है किनको आर्मी पर्सनल्स को और वेदर और अ पर्सन हुए एकेडमिक
क्वालिफिकेशन जैसे कि डॉक्टर लगा देते नाम के आगे, ठीक है। तो इन्हें दोनों को छूट मिली है रेदर देन, ठीक है, और इनके अलावा कोई भी कर सकता है। जो पहले के समय कॉलोनियल टाइम पे जो जैसे टाइटल लगाया जाता था महाराजा और राज बहादुर, इन सब का अबोलिशन किया गया अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो 1996 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको अपहेल्ड किया गया उसको, ठीक है, और बढ़ाया गया। इट रूल्ड दैट दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ द नोबिलिटी, देयरफॉर दे आर नॉट वायलेटिव आर्टिकल 18 एज द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डजंट मैंडेट द मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। हाउएवर इट ऑल्सो रूल दैट दे शुड नॉट बी यूज एज सफिक्स ऑफ प्रीफिक्स ऑफ द नेम्स ऑफ अवार्डीज, ठीक है, अदरवाइज दे शुड फॉर फीड द अवार्ड्स, ठीक है। जो जैसे कि अवार्ड दिए जाते हैं पद्म विभूषण या पद्मश्री, ठीक है, या पद्म विभूषण अवार्ड या भारत रत्न अवार्ड, तो ये जो अवार्ड हैं ये नाम के आगे इनका एज सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाया जा सकता। ये सब मतलब ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि मेरिट पे अवेल किए गए हैं बाय ए पर्सन, तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसको, उस टर्म को वायलेट नहीं करते हैं, ठीक है। दीज अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, इन अवार्ड्स को कब लाया गया 1954 में, द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यूड देम इन 1976। 1977 में जो जनता पार्टी है जो जिसके लेड बाय मोरारजी देसाई, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया इन अवार्ड्स को, लेकिन फिर इन अवार्ड्स को 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने रिवाइव किया, ठीक है ना, फिर से लाया, लागू किया। अब अगला चैप्टर, अगला जो हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, यानी राइट टू इक्वलिटी हमने देख लिया। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, आर्टिकल 14 किससे डील करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ से या फिर रूल ऑफ लॉ से, फिर आर्टिकल 15 किससे डील करता है, किससे डील करता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, दे आर द रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ द बर्थ, ये आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 16 बताता है हमारा, क्या बताता है, रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन के बारे में बताता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, ठीक है। फिर आर्टिकल 17 हमारा क्या बताता है, कहाँ गया, आर्टिकल 17 बताता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल बताता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय एंड कीप ग्राइंडिंग, हरे कृष्णा।